सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे बात करने वाले हैं डीफनेस के बारे में। डीफनेस यानी कि बहरापन, अगर आप ठीक से सुन नहीं पाते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह की डीफनेस होती है और आप इसमें किन किन होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को टैप कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम इस तरह का कोई भी नया वीडियो लेकर आते हैं और आप फिर उसमें हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट भी हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं डीफनेस के बारे में। सबसे पहले डीफनेस क्या है? डीफनेस यानी अगर आप ठीक प्रकार से नहीं सुन पा रहे हैं या आपसे जो बोला जा रहा है आप उसको ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, आपको इसका हाई वॉल्यूम करके भी अगर आपसे बात किया जाए तो भी आप ना सुन पाए तो इस कंडीशन को हम डीफनेस बोलते हैं। डीफनेस कई तरह की होती है। आई मीन टू से लाइक डीफनेस आपका हो सकता है कि पार्शियल डीफनेस हो, यानी आपको थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है लेकिन एज कम्पेयर टू अदर अगर आपको तेज आवाज में बोलते हैं तो आप सुन पाते हैं। एक होती है कंप्लीट डीफनेस आ रही है आपको, इसका मतलब होता है कि आप जो हम बोल रहे हैं उसमें आपको हम क्या बोल रहे हैं ये आप समझ नहीं पा रहे हैं और इस तरह से आप ठीक से जब समझ ही नहीं पा रहे तो आप उस साउंड को नहीं समझ सकते हैं। आपको अगर हाई एम्पलीट्यूड यानी थोड़ा सा बढ़ा कर भी बोला जाए तो भी आप नहीं समझ पाते हैं। एक होती है आपकी कंप्लीट डीफनेस, कंप्लीट यानी कि आपको सुनाई नहीं देता है बिल्कुल भी, तो ये आपका जो पार्शियल डीफनेस रहता है। और एक हियरिंग लॉस रहता है, तो हियरिंग लॉस में आपको थोड़ा बहुत सुनने की दिक्कत होती है। पार्शियल डीफनेस में भी आपका थोड़ा बहुत सुनने की दिक्कत होती है, आप समझ नहीं पाते चीजों को। और एक कंप्लीट हियरिंग लॉस, ये हियरिंग लॉस एक आपका इस तरह से भी हो सकता है, कुछ लोगों को जन्मजात सुनाई नहीं पड़ता है और कुछ को ये किसी एक्सीडेंट की वजह से, सर्जरी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से अचानक से सुनाई देना कम हो जाता है या टोटली बंद हो जाता है। ये हियरिंग लॉस आपके धीरे धीरे बढ़ते भी रहते हैं, तो ये इसके मुख्यतः कारण होते हैं, ये इसके कॉज होते हैं। तो कंजनाइटल हो गया आपको, बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है, नेक्स्ट आपका किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से या टिनिटस की वजह से आपको, या नर्व डैमेज की वजह से, पैरालिसिस की वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स आपके मैं एज पर द कॉज सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह के आपके कारण है उसी आधार पर आपके शरीर में, आपकी बॉडी में लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि हियरिंग लॉस में आपको अगर हम तेज आवाज में बोले तो आपको थोड़ा बहुत सुनाई दे सकता है, थोड़ा बहुत समझ में आता है। पार्शियल आपका अगर डीफनेस वाला प्रॉब्लम है तो आप समझ ही नहीं पाते हैं क्या बोला जा रहा है। और इसके साथ साथ आप इनके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, तो इसके लिए टेस्ट होते हैं। आपको ईएनटी क्लिनिक्स पे जाना पड़ता है, वहां पर टेस्ट होते हैं। आपका टर्निंग फॉग टेस्ट हो गया, ऑडियोमेट्री टेस्ट हो गया, इस तरह के टेस्ट से हम पता लगाते हैं कि आपको किस टाइप का हियरिंग लॉस है, पार्शियल है या कंप्लीट टाइप का है, ये आपका कितने परसेंट तक बढ़ चुका है, कब रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये ऑडियोमेट्री टेस्ट वगैरह करते हैं। इसके साथ साथ आपको हियरिंग एड्स वगैरह लेने की भी सलाह दी जाती है और फिर सर्जरी वगैरह भी की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस कंडीशन में किन होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये जो होम्योपैथिक दवाइयां हैं, आप सबसे पहले नाम लेती हूँ मैं हाइड्रेस्टिस कैन क्यू का। अगर आपका यूस्टिशियन ट्यूब हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में एक ट्यूब होता है जो आपके नोज को, आपके ईयर को और आपके थ्रोट को आपस में कनेक्ट करता है। अगर आपको हमेशा सर्दी जुकाम बना रहता है, हमेशा कान बहता रहता है, इन सभी वजहों की वजह से भी आपको हियरिंग लॉस हो सकता है।
इस कंडीशन में आप हाइड्रोस्टी स्कैन क्यू का यूज कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रहता है इस केस में, तो हाइड्रोस्टी स्कैन क्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात कर लें, नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी मर्कसोल। अगर हमेशा यूस्टिचियन ट्यूब आपकी ब्लॉक रहती है, हमेशा गले में खराश बनी रहती है, कान में मवाद आता रहता है, इन सभी कंडीशन में मर्कसोल अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी कालीम्यूर। अगर आपको क्रॉनिक कैटरहल वाली कंडीशन है, क्रॉनिक बहुत लंबे समय से आपको ये प्रॉब्लम चली आ रही है, बदबूदार डिस्चार्ज होते हैं, आप इस कंडीशन में कालीम्यूर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी पल्सेटिला। पल्सेटिला अगर आपको ब्लेंड डिस्चार्ज होते हैं, इस कंडीशन में आपकी पल्सेटिला बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी, अगर आपको हमेशा कानों में आवाज जैसी सुनाई देती रहती है, रोरिंग की, बचिंग की आवाज आती रहती है और साथ ही साथ हियरिंग लॉस भी है, इस कंडीशन में आप चिन्नम सल्फ का यूज कर सकते हैं। चिन्नम सल्फ इस कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी कॉस्टिकम। अगर आपका नर्व डैमेज हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई इंजरी हुई थी, सर्जरी हुई थी, नर्व डैमेज कंडीशन है, इस कंडीशन में आपकी कॉस्टिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये कुछ मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं जो आपकी डीफनेस के केस में वर्क करती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमने आपको मेडिसिन कैसे लेनी है इसके बारे में बताया हुआ है, आप इन मेडिसिन को कहाँ परचेज कर सकते हैं इसके बारे में भी बताया हुआ है, या आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसमें हम आपको मेडिसिन आपके होम डिलीवर भी करते हैं, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट www.srihomeocenter.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं डॉक्टर सत्या अब लेना चाहती हूँ आप लोगों से इजाजत, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।